मैं आज आप लोगों को गृह गणित के विषय में पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को घर की सफाई के विषय में बताई हूँ। तो बच्चियों, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आपके पाठ्यक्रम से कुछ सिलेबस, कुछ पाठ्यक्रम कट गए हैं और आप लोगों को उनको नहीं पढ़ना है। जैसे घर की सफाई के विषय में पढ़ाई हूँ, उसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद घर की सजावट है और घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करने की विधियाँ, कंकाल तंत्र और इसके साथ साथ जो है घायल व्यक्ति के हस्तांतरण और घरेलू घर की सफाई, घर के कपड़ों के रख रखाव तथा उसकी धुलाई, ये सारे पाठ्यक्रम जो है आपके पाठ्य पुस्तक से समाप्त हो चुके हैं। तो बच्चियों, आज मैं आपको गृह गणित के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चियों, आप बच्चियों के लिए या महिलाओं के लिए गृह गणित की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गृह के कुशल कार्यक्रम के लिए, गृह को के कुशल प्रबंध के लिए, उसे घर को आगे बढ़ाने के लिए हमें गृह का गणित का जानकारी रखना आवश्यक होता है, क्योंकि गणित के जानकारी के बिना हम घर का संचालन अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते। बच्चियों, हम घर पे हिसाब किताब रखते हैं, दूध वाले का पैसा देना होता है, कपड़े इस्त्री करवाते हैं तथा बाज़ार से जो सामग्री मंगवाते हैं, कितने पैसे खर्च हुए, किसे कितना पैसा दिया गया, इसका जब हम लेखा जोखा तैयार करते हैं, हिसाब रखते हैं, तो उसके लिए हमें गणित लगाना आवश्यक होता है और अतः हमें गणित की जानकारी भी रखना जरूरी होता है। गणित के अंतर्गत बच्चियों, मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसमें आप पूछा जाता है कि लाभ और हानि जैसे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। कोई प्रश्न आ गया, उसमें से यह बताया जाता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है तथा हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ साधारण ब्याज पूछा जाता है और उसका यह इसका जो है सूत्र है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बच्चियों आप ध्यान से देखिए कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उस पर हमें कितना लाभ हो रहा है, तो उसका सूत्र है तथा जो वस्तु हम खरीदते हैं उसका हानि कितना होता है, तो हानि गुणे पूरे 100 बटे क्रय मूल्य। और साथ ही साथ बच्चियों, मैं आपको बताऊं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है। बच्चियों, साधारण ब्याज का फार्मूला जानने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मतलब कितना मूलधन पर हमें ब्याज देना है। तो मूलधन बच्चियों, वह 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और साइकिल को 1104 रुपये में बेच देता है। तो हमें इसका जो है बताना है कि उसे कितने का नुकसान हुआ, अर्थात हानि हुआ, और कितना प्रतिशत का हानि उसे होता है। तो हम लगाएंगे इसे क्रय मूल्य कितना है,
1200, क्रय मूल्य बराबर 1200 और विक्रय मूल्य 1104 रुपए। जब हमारा जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया तो बच्चियों जो है इसका हमें हान बताना है कि हान होता है।